मैडम आपकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? हमको अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला, डॉक्टर अर्चना शुक्ला अमेठी जिले से हूँ, शिक्षा मित्र हूँ। हाँ, आपका डॉक्टर ये प्रोफेसर हैं या एक मेडिकल? मैंने पीएचडी किया है हिंदी। पीएचडी किया है हिंदी में और शिक्षा मित्र के पद पे हूँ, अमेठी जिले से हूँ। और मैं सरकार से चाहती हूँ कि हम लोगों को पैरा 4 में संशोधन करके हम लोगों को पुनः हमारे पद पर स्थापित किया जाए, हमारा मान सम्मान हमें वापस किया जाए। और जब तक इसमें प्रोसेस टाइम लगे, हम लोगों को समान का समान वेतन दिया जाए। हमारा सम्मान जब तक हम लोगों को वापस नहीं किया जाएगा, हम दिल्ली की धरती को नहीं छोड़ेंगे, यही धरती पकड़ बन के सत्याग्रह करेंगे। डॉक्टर साहिब, क्या कारण है कि आपने पीएचडी किया है उसके बाद में सरकार आपको अयोग्य घोषित कर रही है? प्राइमरी में पढ़ाने के लिए पहली बात तो पीएचडी कोई जरूरत नहीं है, हमसे भी योग्य, हमसे भी बुद्धिजीवी हमारे सभी भाई बहन हैं। हमने तो पीएचडी किया है, लेकिन हमसे भी बुद्धिजीवी हमारे भाई बहन हैं जो 17 साल से प्राथमिक शिक्षा को जीवन दान दिए हैं, बच्चों का भविष्य सुधारे हैं। आज हम लोगों का भविष्य नर्क गर्त में चला गया, हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया है। हमने ही 17 साल से स्कूलों के ताले खोले हैं और प्राथमिक शिक्षा में सुधार किए हैं। आज हमारा भविष्य, प्रधानमंत्री जी हमारे भविष्य को संवार दें, अन्यथा की स्थिति में वो हमें मृत्यु दंड दे दें, ये सहनीय है, लेकिन हमारा मान सम्मान वापस कर दें। क्योंकि जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है, उस देश के राजा को नमन करने का कोई योग्य नहीं है हम लोग।